वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज हम एक रेसिपी देखेंगे जो है केले के समोसे। उसे हम देखेंगे, ये एक तरह से सब्स्टिट्यूट है आलू के समोसों का, क्योंकि बहुत सारे जैंस जो होते हैं, जो जैन लोग होते हैं, वो आलू नहीं खाते, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि वो कच्चे केले के समोसे भी बना सकते हैं जो बिल्कुल आलू के समोसों की तरह ही लगते हैं। आप उनका डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम आज देखेंगे किस तरह से बनते हैं कच्चे केले के समोसे। सबसे पहले हमें ये जो केले आप देख रहे हैं, हमें ये केलों को हमें उबालना है, बॉईल करना है। तो हम इसे कुकर में बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसकी प्रोसेस सेम वैसी है जैसे हम आलू के समोसे बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस हमें केले के समोसों के साथ भी करनी है। तो सबसे पहले हम इन केलों को उबाल लेंगे, बॉईल कर लेंगे। केलों को बॉईल करने के बाद में उनके छिलके उतार कर हमें उन्हें इस तरह से मेश कर लेना है। एक बात याद रखें कि आपके जो केले हैं वो ज्यादा बॉईल ना हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपके केले जो है वो एक्सेस में बॉईल अगर हो गए तो आपका जो समोसा है वो प्रॉपर शेप में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप जो उसका जो स्टफिंग ये बनाएंगे आप इस केले से वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो हमें इसे थोड़ा सा कच्चा रखना है, कच्चा भी नहीं कह सकते पर एकदम मेश ना हो, इस तरह से रखना है हमें। तो हमने इस तरह से ये स्टफिंग के लिए रेडी कर लिया है हमारे केलों को उबाल कर। अब हम इसे फ्राई करेंगे। स्टफिंग रेडी करने वाले हैं, जो केले का मसाला है वो बनाने वाले हैं। सबसे पहले गरम तेल में हमने राई डाली है और क्या थोड़ा सा जीरा, सौंफ ये हमें डालना है, हरी मिर्च हमने इसमें डाली है और साथ में मटर भी अगर आप डालते हैं तो बहुत ही अच्छा हमारा जो समोसे का टेस्ट है वो हो जाएगा। अगर मटर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो सिर्फ बिना मटर का मतलब ओनली केले का भी मसाला तैयार कर सकते हैं, स्टफिंग रेडी कर सकते हैं। हमने ये इसके ऊपर इसलिए ढका है क्योंकि मटर जो है वो फ्राई करने पर उड़ती है थोड़ी, तो वो ना उड़े इसलिए आप उसको 2 मिनट ढक दीजिए। मटर को हमें थोड़ा सा बफ जाए इतना हमें उसे तेल में घुमा लेना है। मटर जो है हमारे यहाँ पर हमने सिंपल मटर लिए हैं, मतलब उसे बॉईल नहीं किया हुआ है, सिंपल मटर जो है वो ले लिए हैं हमने, बिना बॉईल किए कुछ भी नहीं किया है, सीधे हमने तेल में डाले हैं ताकि तेल में वो इजीली फ्राई हो जाए। डाल रहे हैं धनिया, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो भी अच्छा लगेगा। लाल मिर्च डाल रहे हैं और उसके बाद में हल्दी हमें इसमें डालनी है येलो कलर के लिए, और साथ में नमक वो भी चीज़ हमें इसमें डाल देनी है। सारे मसाले हमें इसमें अभी डाल देना है मटर के साथ ही। शक्कर भी डालनी है हमें इसमें थोड़ी सी। फ्रेंड्स, खटाई के लिए हम इसमें पीसा हुआ अमचूर डाल रहे हैं। अगर आपके पास अमचूर अवेलेबल नहीं है तो आप नींबू का यूज़ कर सकते हैं, बट हो सके तो आप इसमें अमचूर का यूज़ करें ताकि मसाला जो है वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा इससे। अब फ्रेंड्स, हम इसमें हमारे जो केले हमने बॉईल किए हुए थे वो केले हमें इसमें डाल देने हैं, क्योंकि हम केले का ही मेन, हमारा केला ही जो है वो हमारे इस स्टफिंग का मेन इंग्रेडिएंट है, तो हमने केला इसमें डाल दिया है। हमें इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डालना है क्योंकि गरम मसाला जो है वो हमारी चीज़ को चार चांद लगा देता है, तो थोड़ा सा गरम मसाला भी हमें इसमें ऐड करना है। और अब ये हमारा स्टफिंग जो है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है और ऊपर से हमें इसमें हरा धनिया भी डालना है ताकि ये और सुंदर दिखे। हरा धनिया जो है वो ऐसे भी हम लोग डेकोरेशन के लिए काम में लाते हैं, तो इसलिए हरा धनिया भी हमें इसमें लगाना है, ऊपर से डालना है। स्टफिंग रेडी कर लिया है, अब हमें उसके ऊपर के पार्ट के लिए मैदे का यूज करना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे मैदा लिया है, उसमें जरा सा नमक डाला है हमने और उसमें मोयन के लिए हमने तेल यूज किया है। आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं बट तेल का यूज करना ज्यादा बेटर है। आप देख सकते हैं, हम देख के समझ सकते हैं कि इसमें मैंने कितना मोयन डाला होगा। अभी मैंने पानी नहीं डाला है, सिर्फ मोयन से ही ये इतनी मुट्ठी में बन जाना चाहिए इस तरह का। इसका मतलब आपका जो तेल का क्वांटिटी है या मोयन है वो बराबर है या सही है, ये आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसे पानी से ओसनना है, डफ रेडी करना है, गूंदना है इसे। जब हम इसे गूंदेंगे तो एक बात याद रखना है कि हमें थोड़ा कट्ठा उसे गूंदना है, एकदम पतला ना हो रोटी की तरह, पर इसे थोड़ा सा कट्ठा ही हमें गूंदना है। हमारा जो डफ है वो रेडी हो चुका है, देख सकते हैं मुझे ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा है, इस तरह से ये हुआ है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये। अब इस तरह से हमें गोले बनाकर और हमें इस तरह से इसे बेल लेना है रोटी की तरह, उसे ज्यादा मोटा ना रखें, पतला रखना है पर ज्यादा भी पतला ना हो,
अब बीच में से इस तरह से हमने इसे दो भाग कर दिए हैं और अब हम इसे समोसे का शेप देकर इसमें स्टफिंग करेंगे। इस तरह से हमें इसे बना लेना है, दोनों जो कॉर्नर्स हैं उन्हें हमें जोड़ लेना है और पानी का यूज करना है आपको इसे जोड़ने के लिए ताकि वो खुले नहीं। और ये जो स्टफिंग है वो हम इसके अंदर इस तरह से फील कर रहे हैं और वापस पानी का यूज करके ही हमें इसे बंद करना है। तो जो ऊपर का हमारा खुला भाग है उस पर पानी लगाकर उसे हमें हाथ से दबा देना है और इस तरह से उसे पूरी तरह से बंद कर देना है। तो ये हमारा जो समोसा है, समोसे का शेप जो है वो रेडी हो चुका है। अब बस हमें इसे फ्राई करना होगा, डीप फ्राई करना है, तलना है हमें इसे तेल में। और ये याद रखें कि हमें इसे जब हम तलेंगे तो हमें सिम पर रखना है हमारे, एकदम धीमी आंच पर हमें इसे तलना है। देख सकते हैं स्टफिंग इस तरह से हमें करनी है इसके अंदर। ये बना लिया हमने इस तरह से कोन का शेप, हमें इसे दे देना है एंड देन इसके अंदर हमें अपना स्टफिंग जो है वो भरना है, फीड करना है। ये हमारा समोसा जो है वो इस तरह से उसका शेप बन चुका है। इस तरह से हमारे सारे समोसे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, मतलब समोसे का जो हमारा शेप है वो हमने दे दिया है और इस तरह से उसकी फीलिंग कर दी है, स्टफिंग कर दी है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे और मध्य आंच पे करना है हमें, धीमी आंच पर इसे फ्राई करना है। हमारा जो तेल है वो रेडी हो चुका है और अब हम इसमें हमारे बनाए हुए समोसे जो है वो हमें डीप फ्राई करना है। तेल अच्छा गर्म होने दें, उसके बाद ही डालें हमारे समोसे जो है वो। इसमें डाल दिए और अब हमें इसे डीप फ्राई करते जाना है। समोसे उनका कलर थोड़ा ब्राउनिश हो गया है। फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे समोसे का कलर जो है इस तरह से आ जाना चाहिए और ये पूरी तरह से हो चुके हैं। अब हम इसे करेंगे सर्व। तो आप देख सकते हैं हमारे समोसे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और आप इसे सर्व कर सकते हैं इमली की चटनी और हरे धनिये की चटनी के साथ में। मैं आपको बताऊं ये बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं हमारे समोसे, आप देख सकते हैं गर्मा गर्म समोसे जिसके अंदर हमारी स्टफिंग जो है वो भी दिख रही है हमें, ये बहुत गर्म है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने घर में भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।